रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर से अहम खबरें सुनिए। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने गुज़िश्ता रोज 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया, जिसका मकसद मोदी की फस्ताई हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल भारत के ज़ेर तसल्लुक जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत मंसूख करने के गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी इकदाम की मजम्मत करना था। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की कौर पर मुकम्मल हड़ताल की गयी। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया। इस्तेसाल के मौके पर पाकिस्तान आजाद कश्मीर के शहर रैलियां मुजाहरे किए गए, जबकि पेरिस, जर्मनी, लंदन, स्पेन, ब्रिसल समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे और पाकिस्तानी सफारतखानों में खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बदौलत अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर पर वर्चुअल इजलास का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एक बड़ा भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को एक फाश गलती की है, जबकि पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली के बदौलत मसला कश्मीर आलमी तवज्जो का महवर बन चुका है। दरिसना पाकिस्तानी वजीर इत्तला'आत और नशरियात शिबली फराज ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की तकरीबी रोनुमाई से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के बारे में अपने असूली मौकफ पर कायम है और कायम रहेगा। चीन ने भी मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे को गैर कानूनी और गैर मौसर करार दे दिया है। चीन दफ्तर खारजा ने कहा है कि तनाजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीख का छोड़ा हुआ तनाजा है, कोई भी एक तरफा तब्दीली गैर कानूनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में सियासी नजरबंदों को रिहा, फौज इंटरनेट बहाल और सहाफियों पर हमलों की तहकीकात की जाएं। पाकिस्तानी वजारत खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि भारत में अक़लियतों के मजहबी मकामात और हकूक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। खबरें खत्म हुई। गासिब भारत ने आज नहीं तो कल इस हकीकत का एतराफ करना होगा कि वो जुल्म जबर और फिस्तायत के तमाम हरबे आजमाने के बावजूद कश्मीरियों के अपने बरहक जज्ब आजादी को दबा नहीं सका। कल रियासत पर भारत के फौजी घेराव के साथ खसूसी हिस्सा खत्म किए, करीबन 1 करोड़ आवाम को मासूर बनाए एक साल होने पर मकबूजा रियासत में मुकम्मल हड़ताल और पूरी दुनिया समेत यौम इस्तेसाल मनाकर अक़वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया गया कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इस मौके पर आजाद कश्मीर और खासतौर पाकिस्तान में खसूसी रैलियों और तकरीबात में कश्मीरियों के जज्बे आजादी को खराज अकीदत पेश करने के साथ हिमायत जारी रखने का इजहार हुआ। पाकिस्तानी वजीर अजम इमरान खान ने इस मौके पर आजाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली में खसूसी खिताब के अलावा दीवारी मजहमत का भी इफ्तिताह किया, जिसका मकसद पूरी दुनिया को बिलुमू और गासिब भारत को बिलखसूस ये पैगाम देना था कि हम आहनी आजम की दीवार साबित हुए मजहमत के जज्बे से सरशार कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। जहां एक तरफ गासिब भारत के फिस्ताई हरबे 10 लाख हथियारबंद दरिंदा सिपत फौज मासूम शहरियों का खून कर रही है, जबकि दूसरी तरफ नहते मगर ईमान और जज्बे हुर्रियत से सरशार कश्मीरी मजहमत की दीवार बने हैं। मुजफ्फराबाद में कायम की जाने वाली ये दीवार मजहमत एक ठोस अलामत है उस जोहद मुसलसल और कुर्बानियों को सलाम पेश करने की जो मकबूजा रियासत के अवाम गुज़श्ता 73 बरस से आजादी की खातिर पेश कर रहे हैं। तबसरा खत्म हुआ।